देखिए, हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस जी किया था कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होती है। तो जो इन्वेंट्री होती है वो करंट एसेट का पार्ट बनती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है, वो तीन तरह का स्टॉक होता है। एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक होता है, पार्शली कंप्लीटेड गुड्स, और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास ये तीनों तरह के स्टॉक्स मौजूद होते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाती हैं। और जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, उनके पास सिर्फ एक तरह का स्टॉक होता है, वो कहलाता है फिनिश गुड्स, ठीक है। अब स्टॉक, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज की, जो हमने रेशियो पढ़ी थी, और एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, फॉर एग्जांपल 2005 में 30 डेज था और 2006 में वो 40 डेज हो गए, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्वेंट्री सेल करने में अगर प्रॉब्लम होगी, इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा गोडाउन में रहेगी, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इन्वेंट्री रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करें कि उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम से कम हो, मिनिमाइज हो जाए, और इन्वेंट्री जल्द सेल भी हो जाए, ठीक है। इन्वेंट्री की कॉस्ट को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है ऑर्डर देने की कॉस्ट, जिसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक होती है होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को गोडाउन वगैरह के अंदर होल्ड करने की कॉस्ट। और एक होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर्ड होती है। जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो इन्वेंट्री को जब गोडाउन के अंदर हम होल्ड करके रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट होती है। स्टॉक आउट कॉस्ट अराउज कॉस्ट कब अराइज होती है, जब व्हेन वी आर आउट ऑफ स्टॉक। कस्टमर हमारे पास आता है और हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं होता, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी सेल अफेक्ट होती है, गुडविल अफेक्ट होती है, कस्टमर फ्रस्ट्रेट होता है। उसको हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको हम स्टॉक आउट कॉस्ट कॉस्ट कहते हैं, विच इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे यहाँ रेंट ऑफ गोडाउन, सैलरी ऑफ द स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमारी स्टाफ की सैलरी, जो ऑर्डर देने के लिए रखा हुआ है हमने, और इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज। अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारा इशू है, इशू ये है कि जब एक कंपनी एक ऑर्डर प्लेस करती है तो उस ऑर्डर प्लेसमेंट में उसका ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, साइज ऑफ ऑर्डर, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी मंगवाएं, ज्यादा मंगवाएं या कम मंगवाएं। अच्छा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी हम मंगवाते हैं उसका फायदा ये होता है कि हमारी ऑर्डर देने की कॉस्ट कम हो जाती, लेकिन हमारी
होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम कम मंगवाते हैं, बार बार मंगवाते हैं, फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जो ऑर्डर कॉस्ट होती है या ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है, और हमें कम अमाउंट होल्ड करना पड़ता है तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में और हमारी होल्डिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक को कंट्रोल करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को कंट्रोल करते हैं तो पहली वाली बढ़ जाती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है, एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओके। ये टेक्निक हमें ये बताती है कि हाउ मच टू ऑर्डर सो दैट बोथ कॉस्ट विल बी मिनिमाइज। यानी कि ये मॉडल इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि आपको वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स बताएगा जिसके ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, जब ईओक्यू या क्वांटिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में गिवन होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज अंडर रूट 2D डिवाइडेड बाय दिस। ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होता है। इस फॉर्मूले में ईओक्यू या क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा डी जो है, डी होती है इस साल की हमारी एनुअल डिमांड, साल में हमें कितने गुड्स मंगवाने। सी नॉट इज कॉस्ट पर ऑर्डर, एक दफा मंगवाने में कितनी कॉस्ट लगती है। एंड सी एच इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि एक यूनिट की एक साल की होल्डिंग कॉस्ट के। तो अगर मेरे पास ये तीनों इंफॉर्मेशन आ जाए कि हमारे पास डिमांड कितनी है, हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी अल्टीमेटली वो क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी जिस क्वांटिटी के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, सही। अब एक डेटा मैं देता हूँ, उससे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है अल्टीमेटली। तो फॉर एग्जाम्पल डिमांड प्रोडक्ट की है हमारे पास 1,60,000 यूनिट्स और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है डॉलर, एक सेकेंड जस्ट होल्ड। हाँ जी, तो हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है, एक ऑर्डर की हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है $400 पर ऑर्डर, डिमांड है हमारी 1,60,000 यूनिट्स एक साल की। ठीक है, और होल्डिंग कॉस्ट हमारी है $5.12 पर यूनिट पर एनम। What is economic order quantity? What is EOQ? एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स हमें मंगवाने चाहिए, तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, डिमांड 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 400 डिवाइडेड बाय 5.12 ये अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 5,000 यूनिट्स
ऑर्डर साइज आ गया। इसका मतलब क्या है 5000 का? 5000 यूनिट हमें डिस्काउंट मिलेंगे, मिनिमाइज हो जाएगी दोनों, मतलब ऑर्डर जो नहीं होल्डिंग कॉस्ट है और वो जब हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे ना एक मरतबा, तो हमें एक मरतबा में 5000 यूनिट्स मंगवाने चाहिए। अगर हम एक ऑर्डर में 5000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि साल में 160000 यूनिट्स मंगवाने के लिए कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू। डिमांड को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साल में कितने ऑर्डर्स देने होंगे वो पता लग जाएगा। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5000, क्या आंसर आएगा? 32 ऑर्डर्स। यानी कि हम 160,000 यूनिट मंगवाने के लिए एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? 32 ऑर्डर्स प्लेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो कि पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि ऊपर 400 दी हुई थी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 32, और कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई 12,800। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमें टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी हो, उसका एक फॉर्मूला ये होता है कि हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज स्टॉक, और उस एवरेज स्टॉक को सी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी एच। अब पिछले में हमारे पास क्यू कितना आ रहा था? 5000, 2 से डिवाइड किया और सी एच आ रहा था 5.2। तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट मिला के कितनी बन गई? 12,800 प्लस 13,000, 25,800। तो अगर उस एग्जाम में ये पूछे कि जी ईओ क्यू के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अगर ईओ क्यू पूछे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन, एनुअल डिमांड हमारे पास है 60,000 यूनिट्स। एक यूनिट खरीदने की हमारी परचेज प्राइस है $12 पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट $6 पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट हमारी होगी 0.5 पर यूनिट पर एनम। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम क्यों निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो हमारा क्यू हो गया, डिमांड हो गई 60,000,
अच्छा अभी जो F1 का सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है, नया सिलेबस आया है, तो उसके अंदर से एक मेजर टॉपिक था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप अकाउंटिंग का, वो हटा दिया हम लोगों, ये थोड़ा सा और इजी हो गया। निकाले कितना है? 1697 सर, मगर ये 12 आपने प्राइसिंग कॉस्ट लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लेंगे सर? एक सेकंड, 12 कहाँ से आया? 12 बाय मिस्टेक ले लिया मैंने, 6 1200 1200 यूनिट्स एक ऑर्डर में हम 1200 यूनिट्स मंगवाएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? उसका फॉर्मूला है डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1200 50 ऑर्डर्स हमें देने होंगे पूरे साल में। उसके बाद इस ऑर्डर के ऊपर टोटल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 50 मल्टीप्लाई बाय $6 300 सही है? टोटल होनी चाहिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमें निकालनी है टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक क्यू डिवाइडेड बाय टू, तो क्यू हमारे पास आया था 1200 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 600, और होल्डिंग कॉस्ट टोटल हमें फाइंड आउट करनी है पूरे साल की, तो क्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय सी एच, तो ये आ गया 600, और सी एच हमारे पास था 0.5 300 300 नहीं आएगा सर, तू उसे डिवाइड भी तो हुआ है ना क्यू, वो ऊपर मैंने 600 निकाला है ना, 600 तो क्यू बाय टू ही किया हुआ, सही है? सही है सही है। अच्छा फिर परचेज प्राइस भी दी हुई है, तो एक कॉस्ट और निकल आएगी परचेज कॉस्ट, 60,000 यूनिट्स हमें खरीदने और एक यूनिट की कॉस्ट है 12, तो 7,20,000 की परचेज प्राइस हो गई। अब टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी परचेज प्राइस 7,20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 300, होल्डिंग कॉस्ट 300, 720,600। इसका मतलब है अगर हम साल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो पूरे साल की हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो लगेगी 7,20,600, सही है? अच्छा अब बाज दफा क्या होता है कि कोई सप्लायर हमें जो ना वो थोड़ी सी लालच देता है, और सप्लायर हमें कहता है कि आप ज्यादा मंगवाओ, कम मंगवा रहे हो आप, ज्यादा मंगवाओ तो मैं आपको ज्यादा मंगवाने पर बल्क परचेज डिस्काउंट दे दूंगा। तो क्या हमें बल्क परचेज डिस्काउंट लेके ज्यादा यूनिट्स मंगवाने चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ज्यादा यूनिट्स मंगवाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन साथ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमें एग्जाम में ये इवैल्यूएट करने को दिया जा सकता है कि ये इवैल्यूएट करें कि सप्लायर की ऑफर पे कॉस्ट कम लगती है या ईओक्यू पे कॉस्ट कम लगती है। तो हम सप्लायर की ऑफर को इवैल्यूएट करेंगे, फिर ईओक्यू की जो आंसर आया अभी उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर आंसर सप्लायर की ऑफर में कम आ रहा है ओवरऑल, तो हम सप्लायर की ऑफर क्वांटिटी मंगवाएंगे, वरना फिर अपनी क्वांटिटी मंगवाएंगे जो ईओक्यू से आई। तो फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर मैं एक ऑफर दे रहा हूँ कि एक सप्लायर हमारे पास आया और उसने हमें कहा कि अगर
क्वांटिटी ऑर्डर साइज 10,000 और मोर हो तो वो हमें 1% डिस्काउंट देगा परचेज प्राइस के। अब हम इसके ऊपर हमें ऑर्डर साइज बता दिया उसने ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं। ऑर्डर साइज जो हमने पहले निकाला था ईओक्यू वाला 1200 उसकी जगह ये ऑर्डर साइज क्या आ गया 10,000, तो क्यू हमारे पास आ गया 10,000, सही है। अब इसके ऊपर हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय सी नॉट। अच्छा एक चीज और डीवी, कि जब हम सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट होगी ना जो पहले 0.5 थी वो इंक्रीज होकर $2 हो जाएगी। इस सवाल में दिया हुआ तो हमारी डिमांड तो वही रहेगी 60,000, क्यू सप्लायर की ऑफर हो गई 10,000 और कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी थी 6। कितना हो जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी आ गई 36। अच्छा भाई टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय CH, यानी कि Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH। Q हमारे पास अब 10,000 है, 2 मल्टीप्लाई बाय CH 2 हो गया, तो 2 2 से कैंसिल, होल्डिंग कॉस्ट हो गए 10,000। उसके बाद हम परचेज कॉस्ट निकालते हैं, 60,000 यूनिट की परचेज कॉस्ट, 60,000 यूनिट हमने बाई की है, एक यूनिट 12 का है, 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 99% से मल्टीप्लाई कर दें, 1% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 71,2800। अब हमारी जो है वो तीन कॉस्ट आ गई 712800, 10,000 और 36, इन तीनों को प्लस कर ले सेवन डबल टू एट थ्री सिक्स। सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो ये कॉस्ट आ रही है, और EOQ पे जाते थे तो कॉस्ट क्या थी 720600। इसका मतलब है सप्लायर ऑफर एक्सपेंसिव है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल EOQ इज बेस्ट। अच्छा बाज दफा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है, सुना कभी बफर के बारे में? बफर इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, यानी कि बफर वो लेवल ऑफ स्टॉक होता है जो कि हमेशा हमारे पास मौजूद रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट। हमारा स्टॉक लेवल कभी भी बफर से नीचे नहीं आ सकता,
लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का एक बिन है, ठीक है, और ये स्टॉक के बिन के अंदर ना ये जो पोर्शन है ना 2000 यूनिट्स, ये समझ ले मिनिमम बफर हमने रखा हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन का ये बफर कभी भी खाली नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे पॉइंट पे आके ऑर्डर प्लेस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 3000, इस लाइन को नाम दे देते हम रीऑर्डर लेवल, कि जब कंपनी का स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेगा तो हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, सही। अब रीऑर्डर और बफर के दरमियान कितना गैप है, रीऑर्डर और बफर के दरमियान कितना गैप है, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे हाथ में कितने यूनिट्स हैं, 3000, सही है, और बफर कितना है, इसका मतलब है 1000 यूनिट्स का मार्जिन मौजूद है हमारे पास। जब तक हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं कंज्यूम करने के लिए, सही है। तो सप्लायर को ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक का जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड को कहते हैं लीड टाइम, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एक फूड डिलीवरी कंपनी से जो ना वो बर्गर मंगवाएं, पिज्जा मंगवाएं, तो वो कहते हैं जी 45 मिनट्स के अंदर आ जाएगा, सही है। तो वो जो 45 मिनट्स होते हैं वो लीड टाइम होते हैं, तो 45 मिनट्स के अंदर हमारा स्टॉक हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अपना रीऑर्डर लेवल ऐसा रखते हैं कि जब हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाए तो बफर से नीचे ना जाए, बफर पे रहते हैं हम हमेशा। अच्छा, सवाल में अगर बफर दिया हुआ होगा ना तो एक जगह चेंज आ जाएगा, अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एवरेज स्टॉक बन जाएगा बफर प्लस क्यू बाय टू, ठीक है। इसमें फॉर्मूले जो ना जितने भी फॉर्मूले हैं अगर अच्छी तरह से समझ लिए जाए तो काफी आसानी हो जाती है इस टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है। अब हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी क्लासेस रख लें, तो तुम अपना टाइम टेबल दोबारा मुझसे शेयर कर लेना अवेलेबल, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना ताकि उसके हिसाब से हम ज़्यादा क्लासेस रख के ना इसको जल्दी जल्दी निपटा। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा टैक्सेशन? टैक्सेशन तो खत्म हो गया हमारा, तो वर्किंग कैपिटल चल रहा है। टैक्सेशन वर्किंग कैपिटल के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है थ्योरी का, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द निपटा दें। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, बट यू हैव टू गिव मी मोर टाइम ना क्लासेस के लिए, अपनी अवेलेबिलिटी बताओ, फ्री अवेलेबिलिटी, फिर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं और आगे से आगे रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ते जाओ ताकि जो मैं समझाता जाऊं और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। सेट और सर मैनेजमेंट जो है वो कब से स्टार्ट होगा? देखो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने क्या प्लान बनाया हुआ है कि मुझे पेपर कब देना है, कितने अरसे में जमा करना है। नहीं दोनों को साथ लेना चाहते हो? कौन सा F1 और E1? अच्छा चलो, E1 का तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या टाइम लगेगा, कितना लगेगा, कल तक इंशाल्लाह बता दूंगा। इसके अलावा आप क्या कर रही हो? B.com? जी। वो क्या चल रहा है, पार्ट टू? अच्छा सही, तो राइट नाउ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट।
अच्छा कंपनी का जो इस वक्त करंट ऑर्डर साइज है वो है 100,000 यूनिट्स व्हेन इन्वेंट्री लेवल फॉल्स टू 35,000 यूनिट्स. जब ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री लेवल 35,000 पे पहुंच जाता है तो हम 100,000 यूनिट्स ऑर्डर कर देते हैं. एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे पास है 625,000 यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ ऑर्डर हमें पड़ेगी 125 पर ऑर्डर. होल्डिंग कॉस्ट 0.60. 1 year comprises of 50 weeks. Lead time 2 weeks. अब इसमें बफर नहीं दिया हुआ, राइट? लेकिन हम बफर निकाल सकते हैं. जब इन्वेंट्री लेवल 35,000 पे पहुंचता है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है? कितने दिनों में हमारा ऑर्डर आ जाता है? लीड टाइम कितना है? 2 वीक. 2 वीक की कंजम्पशन कितनी होगी? 2 वीक में हमारी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती होगी? साल में हमारे पास कितने यूनिट्स हमें चाहिए? 1,6,25,000. ये कितना होगा? 1,2,500. ये 1,5,000. एक वीक की कंजम्पशन आ गई. 2 वीक की कंजम्पशन कितनी होगी? 25,000. ये हमारी लीड टाइम की कंजम्पशन है, यानी कि ये हमारी इस पीरियड की कंजम्पशन है जो मैंने यहाँ पे शेडेड किया है ना. इसका मतलब है जब 35,000 यूनिट्स पे पहुंचते हैं हम तब ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें 25,000 यूनिट्स खर्च हो जाते हैं. बाकी कितने बचते हैं? ये बफर हो गया. तो बफर कितना हुआ? 10,000. रिक्वायरमेंट ये है जो हमारी करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी है ना, 1,00,000 यूनिट मंगवाने की, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट निकालनी. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी?
आंसर आएगा। सर 781.25। सवाल में बफर है जी, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बन गया और ये सी एच अलग से आ गया। कितना हो गया? यूनिट होता है तो पॉइंट में नहीं लिखते। डिमांड है हमारे पास 2 है हमारे पास 1.6 अब इसमें बफर है ना जी, तो होल्डिंग कॉस्ट में हमारे पास बफर है 10,000 का प्लस क्यू हो गया 16137 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी एच था 0.6 ये निकालें।
कितना आंसर आ रहा है? 10841 1081 1081 8441 सही है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 4841 आंसर 15682 ईओक्यू के साथ ये कॉस्ट आ रही है, और बगैर ईओक्यू के कितनी आ रही थी? 36781 तो ईओक्यू अगर हम यूज करते हैं तो हमें फायदा होगा, इसलिए हम ईओक्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही है? चलिए अब इसको कवर करें, फिर कल जो भी अवेलेबिलिटी हो ना टाइम की मुझे मैसेज कर देना।